बसमिल्ला हमारे वही असलम माई यूट्यूब फैमिली होप सो दैट यू आर डूइंग ग्रेट वेलकम टू अनदर वीडियो सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई हैव आई एम हैविंग अ हंबल रिक्वेस्ट कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन से प्रेस कर लीजिएगा सो दैट यू कैन गेट द अपडेट माय वीडियो विल बी अपलोडेड सो आज का जो हमारे टॉपिक है दैट इज़ अगेन फाइबर आज मैं आपको फाइबर की बहुत इंपॉर्टेंट स्किल के बारे में बताने लगी हूँ जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इन है या फिर आप लोग बोल बोलने कि उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है जैसे मैंने आपको पहले भी काफ़ी स्किल्स सिखाई हैं लेकिन वो ये है कि वो साइड बाय साइड चलती रहती है उनका कोई ट्रेंड नहीं है आज मैं आपको एक ट्रेंडिंग स्किल के बारे में सिखाने लगी हूँ तो उसके लिए आप लोगों ने कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है तो पहले मैं अब आप आपको बता देती हूँ कि फाइवर की वो स्किल कौन सी है या फिर आपके पास उसका स्कोप क्या है तो सबसे पहले हम अपनी फाइवर की वेबसाइट ओपन कर लेंगे फ़ाइबर की वेबसाइट ओपन करने के बाद अब मैं आप वो आपको सर्च आउट करके बताऊंगी बताऊंगी कितने वो आपके पास जो सेलर्स हैं कितने सेल कर रहे हैं या फिर उनका क्या रेट चल रहा है तो यहाँ पे आप लोगों ने जो सर्च बार होगा जो आज मैंने स्किल आपको बतानी है उसका नाम है ई मेल सिग्नेचर या फिर आप इसे मेल सिग्नेचर भी बोल सकते हैं अब ये मेल सिग्नेचर क्या होता है बेसिकली ये ई मेल जैसे ब्रांड वगैरह होते हैं या फिर कोई भी कंपनी होती है जो उनका ई मेल आता है तो उनके नीचे उनके कॉन्टेक्ट नंबर या फिर उनका जो भी कंपनी नंबर या एड्रेस वगैरह लिखा होता तो है इसे हम लोग ई मेल सिग्नेचर बोलते हैं तो आजकल ये बहुत ज़्यादा इन है। अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे आपके पास थ्री थाउजेंड प्लस पीपल या फिर थ्री थाउजेंड प्लस लोग हैं जो इस सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं तो सिंपली हम लोग भी इसको प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे ये आ, बेसिकली आप बोल रहे हैं कि ज्वाइन फाइबर अभी हम लोगों ने ज्वाइन तो नहीं करना जस्ट बिकॉज यहाँ पे तो मैं भी आपको सिखाने आई हूँ कि यहाँ पे कितना स्कोप है इस चीज़ का तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोकल सेलर को ऑन कर लेंगे लोकल सेलर जब हम ऑन करेंगे लोकल सेलर शो क्या करेगा कि पाकिस्तान के अंदर कितने लोग हैं जो सेम सर्विसेज को सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जी पहला ही अगर हम देखें तो इसका एटीन हंड्रेड प्लस रेट चल रहा है और इसके पास काफ़ी सारे फोर हंड्रेड प्लस ऑर्डर हैं तो इसके साथ ट्वेंटी सेवन हंड्रेड भी है फोर्टी सिक्स हंड्रेड भी है और ये एटीन हंड्रेड फिफ्टी एट रुपीज़ ले रहा है और इसके ऑर्डर देखें फोर हंड्रेड प्लस है तो आप खुद अंदाज़ा लगाए कि फोर हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई एटीन हंड्रेड करें तो कितना प्रॉफिट है प्रॉफिट किस लिए क्योंकि काम बिल्कुल आप लोग बोल हैं रु, दो रुपये वाला नहीं है और इसके आप लोग प्रॉफिट यानी कि आपको सारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है सिर्फ आपके स्किल्स यूज़ होंगी या फिर आपकी क्रिएटिविटी यूज़ होगी तो अगर हम लोग सबसे लास्ट में भी देखें तो यहाँ पे देखें देखे, दस पेजेस हैं दस पेजेस मीन के दस ऐसे पेजेस हो रहे हैं यानी कि बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को प्रोवाइड यहाँ पे कर रहे हैं और अगर आप लोग रेट को देखें तो सारे तकरीबन थाउजेंड की लाइन में आ रहे हैं नाइनटीन नाइन ट्वेंटी नाइन या फिर आप लोग देख लें नाइन ट्वेंटी नाइन ज़्यादा रेट चल रहे हैं यानी कि थाउजेंड की लाइन के अंदर ही आ रहे हैं सो तो इट्स मीन कि इस चीज़ का स्कोप है दूसरी वेबसाइट जहाँ पर आप लोग इसी सेम सर्विस को सेल कर सकते हैं वो है अपवर्क अपवर्क में बिल्कुल फ़ाइबर की तरह होती है यहाँ पे भी आप लोगों के पास डिफरेंट लोग होते हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग वगैरह के बारे में सर्विसेज को क्या कर रहे थे सेल आउट कर रहे होते हैं जैसे वो गिग बना के दे देंगे यूट्यूब का चैनल आर्ट बना के दे देंगे तो सेम इसे सेम इट इज़ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हम लोगों ने जो हम लोग मेन सिग्नेचर वहाँ पर फाइंड आउट की थी सर्विस यहाँ पर मेल सिग्नेचर लिख के हम अपनी सर्विसेज को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सर्च बार आया तो ये कह रहे हैं देर इज नो रिजल्ट तो इट्स मीन कि मे भी हमारे उसमें लिखने में प्रॉब्लम हो गया जी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं मेल और सिग्नेचर के दरम्यान में स्पेस दे देते हैं और फिर हम सर्च आउट करते हैं सिग्नेचर तो ये हमारी सजेशन में आ गया तो यहाँ से हम लोग सर्च आउट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखें कि अब हम आपके पास आ गए लोग जो कि सर्विस यहाँ पर तो ये काम ही डॉलर्स के अंदर चल रहा है अगर आप लोग देखें पहला बंदा सेवेंटी डॉलर पर और यहाँ पर और के हिसाब से काम में कोई फिफ्टी ही ले रहा है और साइड पर लिखा भाब है कि किसी ने दस हज़ार डॉलर कमाए हुए हैं किसी ने बीस हज़ार डॉलर कमाए हुए हैं किसी ने एक लाख डॉलर कमाए हुए हैं सो इट्स मीन किस चीज़ का काम तो है तो ये हमारी मेन वेबसाइट है जिसके ऊपर हम सब हम लोगों ने ये काम करना है इसका आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी साथ में आपके पास यहाँ पे मेल सिग्नेचर भी आप लोग लिख के इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं ये ई मेल सिग्नेचर भी लिख के ईजिली यहाँ पे फ़ाइंड आउट कर सकते हैं अब मैं आपको बताती हूँ कि लोग इस चीज़ को बाय क्यों करते हैं बाय इसलिए करते हैं क्योंकि अब आपने देखा कि कोरोना की वजह से ज़्यादा काम ऑनलाइन हो गया तो ऑनलाइन में अब हमारे पास मैसेजेस वगैरह तो नहीं आते मेल के थ्रू जैसे आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो आपके पास मेल आता है जैसे मैं यहाँ आप पे आपको जे डॉट का एक मेल खोल के दिखा देती हूँ तो जैसे कोई कैटलॉग हो या कोई सेल लगे तो ब्रांड क्या करते हैं आपको मेल करते हैं तो मेल के जैसे लास्ट के ऊपर जितनी भी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ना ये इसी का कमाल है यानी कि मेल सिग्नेचर के थ्रू ही आता है इसे हम सिग्नेचर बोलते हैं तो अगर आप इसी मेन वेबसाइट पर जाएँ तो सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा सिग्नेचर टेम्पलेट्स तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे काफ़ी सारे डिज़ाइन्स आ जाएंगे टेम्पलेट्स मीन डिज़ाइंस अब आपके पास डिफरेंट डिज़ाइन हैं अब आप लोगों ने यहाँ से क्या करना है इनमें से किसी एक भी डिज़ाइन को जो आपके अच्छा लग रहा हो मीन उसे हर इंसान को अलग चीज़ पसंद आती है ठीक है तो आप लोग यहाँ से जो भी आपका डिज़ाइन अच्छा लग रहा है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल लो नीचे करूँ तो इसे और लोड करूँ तो और ज़्यादा टेम्पलेट्स आती जा रही हैं तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारी टेम्पलेट्स हैं और बहुत ज़्यादा इसमें देखिए किसी में पिक्चर लगी हुई है किसी में किसी कंपनी का लोगो लगा हुआ है किसी में किसी कंपनी की अपनी पिक्चर लगी है किसी में किसी आ, आप लोग बोल रहे हैं जो भी ये पर्सन है उसकी पिक्चर लगी है सो so, इट्स मीन के एक पिक्चर लगाने जैसे हम लोग नॉर्मली आपने देखा होगा कि एडवर्टाइजिंग कार्ड्स हमारे यहाँ पे बनते हैं पाकिस्तान के अंदर यानी कि जिसमें हम लोग विजिटिंग कार्ड बोलते थे तो सेम इट इज़ विज़िटिंग कार्ड की तरह होता है उस पर बंदे का नाम लिखा होता है कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है और उसका एड्रेस वगैरह तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने इसको करना क्या सबसे पहले आपने सेलेक्ट कर लिया सेलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे देखें तो आपके पास एडिट टेम्पलेट्स का ऑप्शन था तो मैंने उस पर क्लिक किया तो आप ये चीज़ें सारी यहाँ पे आप साइड पे देखें यहाँ पे आप चीज़ें ऐड करेंगे और इस वाली जगह आपकी जो दूसरी साइड है उस पर चीज़ें चेंज होने लग जाएगी जैसे जस्ट कंसिडर कि मैं अपने चैनल के लिए बना रही हूँ जो भी कार्ड बनाने है या फिर जो भी आप लोग बोल रहे हैं कि सिग्नेचर बनाने हैं तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम अपना लिख देती हूँ ऑनलाइन अर्निंग और लास्ट नेम टाइम प्लानट तो देखिए यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग प्लानट चेंज हो गया है तो इसी तरह आप जब भी गिग बनाएंगे या फिर आप लोग जब ये सर्विसेज सेल करने लगेंगे तो जो आपका क्लाइंट होगा वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट नेम सेकेंड नेम लास्ट नेम सारी इंफॉमेशन आपको देगा आप लोगों ने वहाँ से उठा कर यहाँ कॉपी करनी और आपने पेस्ट करके काम करके दे देने ठीक है तो जॉब टाइटल आप लोग बोल दें तो मैं वही बोल देती हूँ कि जी मेरा ऑनलाइन अर्निंग काम है और लास्ट में उनसे पूछना कि ईमेल एड्रेस दे तो ईमेल एड्रेस आप लोग अपना भी दे सकते हैं तो अपना तो नहीं देना जी आप लोगों ने जब जिस कंपनी के लिए आप लोग ये डिज़ाइन करेंगे उस कंपनी का ऑब्वियसली आपको ई भी दिया जाएगा आपने उसका ई मेल पे क्या कर देना कॉपी पेस्ट कर देना है ठीक है तो यहाँ पर जी मैं अपना ईमेल पेस्ट पेज कर देती हूँ जो भी आप लोग तो यहाँ पे लिखेंगे मीन्स जैसे मैं समझाने का बात ये है कि जो भी चीज़ यहाँ पे आप लिखेंगे तो आप देखें साइड के ऊपर तो वो चीज़ लिखी जा रही है मीन्स जैसे कि आपका ये जो लोगो है ये जो आपके सामने कार्ड खुला हुआ है या फिर आप लोग बोल रहे हैं सिग्नेचर प्री जो आपके सामने आ रहे हैं टोटली एडिटेबल है आप लोग इसके अंदर अपना नंबर चेंज कर सकते हैं आप लोग एड्रेस चेंज कर सकते हैं हर चीज़ चेंजेबल है ठीक है तो पर्सनल डाटा था तो इसके अंदर मोबाइल नंबर मैं चेंज नहीं कर रही लेकिन अगर आप लोगों ने चेंज करना है तो आप लोग चेंज करके दे सकते हैं जो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी आप वो नंबर दे सकते हैं फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा जी कंपनी डाटा सबसे पहले कंपनी का नेम पूछा जाएगा तो कंपनी नेम हमारा वही रहेगा ऑनलाइन अर्निंग प्लानट क्योंकि मैं अपने चैनल के लिए कर रही हूँ लेकिन आप लोगों को ने वो करना है जो आपको क्लाइंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा तो क्लाइंट ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है अगर कोई यूफ़ोन की कंपनी वाला है तो अपना यूफोन का नाम भी देगा आप लोगों को या फिर आपको एड्रेस भी बताएगा कि हमारी कंपनी कहाँ पर सिचुएटेड है अपना ई भी देगा फ़ोन नंबर देगा हर चीज़ देगा ठीक है तो यहाँ से अब आपसे पूछ रहे हैं जी वेबसाइट वेबसाइट में मैंने अपने जो सा यूट्यूब था उसके चैनल का वो डाल दी है लिंक डाल है ठीक है उसके बाद आप लोगों ने एड्रेस अपना लिख दिया तो यहाँ से ग्राफिक ग्राफिक को एक दफ़ा छोड़ दें ग्राफिक वाला सीन थोड़ा उलझा देने वाला है इसको हम लोग बाद में करेंगे ठीक है इसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्टाइल पे स्टाइल में मीनस जैसे कि आप लोग कलर चेंज कर सकते हैं जैसे कि आप लोग डिफरेंट थीम्स होते हैं जैसे अगर आप लोग देखें तो मैकडोनल्ड का एम येलो है तो अगर आप मैकडोनल्ड के लिए बनाने लगेंगे चीज़ तो आप लोग क्या कर देंगे इसे येलो में ले आएंगे अगर के के लिए बनाने लगे हैं तो आप रेड लेंगे मीन तो उसे कंपनी का अपना एक कलर होता है लोगों का तो आप वो चीज़ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे राइटिंग का जो फोनट है वो भी चेंज कर सकते हैं आप राइटिंग का पैटर्न चेंज कर सकते हैं राइटिंग का कलर चेंज कर सकते हैं हर कलर यानी कि ईच एंड एवरीथिंग इज़ एडिटेबल आप हर चीज़ को यहाँ से एडिट ईजीली कर सकते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे बिल्कुल इजी है एडिट करना सेकंड स्टाइल के अंदर क्या होगा जो आपकी राइटिंग लिखी हुई है जो नीचे फ़ोन नंबर एड्रेस वगैरह इसका कलर चेंज हो जाएगा तो आप लोगों ने जो भी कलर चेंज करना है वो यहाँ से इजीली हो जाएगा इसी तरह आप लोग यहाँ से फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट मीन कि आप लोगों की जो राइटिंग है वो एरियल व्यू में या किसी और व्यू में आपने देखा होगा आजकल राइटिंग स्टाइल्स डिफरेंट होते हैं आजकल वैसे कैजुअल को नहीं लेकर दिया जाता ज़्यादातर फॉर्मल फॉर्मल रॉइटिंग रा, पैटर्न या अनफॉर्मल को भी कोई लोग फॉलो कर रहे होते हैं तो इट डिपेंड्स अपॉन द क्लाइंट आप क्लाइंट से पूछ सकते हैं क्लाइंट से आप लोग मशवरा ले सकते हैं कि आपको कैसी राइटिंग पैटर्न चाहिए ईच एंड एवरीथिंग फिर उसके बाद आ जाता है सोशल मीडिया कॉन्टेंट जैसे अगर मैं जे डॉट के लिए बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे जे डॉट का ट्विटर अकाउंट दे दूँगी डॉट का फेसबुक अकाउंट दे दूंगी जे डॉट का, का इन लिंक दे दूँगी इसी तरह अगर मैं अपने यूट्यूब चैनल के बना रही हूँ तो यहाँ पर मैं अपने यूट्यूब का सिंपली क्या कर दूँगी चैनल का लिंक दे दूँगी तो जब भी यहाँ पर कोई बंदा इस पॉइंट को क्लिक करेगा तो डायरेक्टली वो मेरे चैनल पे पहुंच जाएगा ठीक है इसी तरह आप लोग किसी भी जिस भी कंपनी का डिज़ाइन करेंगे तो वो आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे कि उनका आ, किस किस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे काम हो रहा है ठीक है अब यहाँ से पूछ रहे हैं जी शो द सिग्नेचर प्रीव्यू यहाँ से आप लोगों ने बस सिंपली क्या करना है ये आपके पास कॉपी का ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पर ठीक है यहाँ से आप लोगों ने इसे कर लेना है कॉपी ठीक है जो आपने सिग्नेचर बनाया है इसको आप लोगों ने क्या करना है कॉपी अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है आप लोगों ने खोलना है गूगल डॉक्यूमेंट्स गूगल डॉक्यूमेंट्स बेसिकली यहाँ पे अब हम थोड़ी सी एडिटिंग यहाँ पे करेंगे थोड़ी सी एडिटिंग हमने पहले कर ली तो फिर हमारा सिग्नेचर मुकम्मल तैयार हो जाएगा तो गूगल डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देखें जी गो टू तो डॉक्स पे आ जाएं तो डॉक्स के ऊपर बेसिकली यहाँ पे एडिटिंग ईजीली हो जाती है ठीक है या फिर आप लोग इसे एम एस वर्ड पर कर सकते हैं पावर पॉइंट पर कर सकते हैं यहाँ पर मुझे गूगल डॉक्यूमेंट्स सही लगा तो मैंने यहाँ से गूगल डॉक्यूमेंट्स ओपन किया यहाँ पर मैंने वहाँ से इसको कॉपी किया हुआ था तो यहाँ पर ला मैंने इसे सिम्पली क्या कर दिया पेस्ट कर दिया तो देखें जी मेरा सब कुछ पेस्ट हो चुका है नंबर वगैरह सब चीज़ें मेरी उसी तरह आ गई हैं अब यहाँ से क्या करना है ये जो लोगो लगा हुआ था वो मेरी मैं अपने का, चैनल का लगाना चाहती हूँ क्योंकि मैंने अपने चैनल का बनाया तो सिंपली आप लोग क्या करेंगे कोई भी पिक्चर या फिर जैसे मेरे चैनल का लोगो ये वाला है तो यहाँ से मैं इसे सिंपली कॉपी करूँगी और वहाँ पर जाके मैं इसे क्या कर दूँगी जी पेस्ट कर दूँगी तो ये देखें जी मेरे लोगो यहाँ पर थोड़ा सा इसे मैं अपने यानी कि जो कार्ड को प्यारा लगे मेन से थोड़ा सा लेंथ वाइज या वर्थ वाइज इंक्रीज़ करना चाहता हूँ वो वो भी कर सकती हूँ तो ये मेरा लोगो हो गया तैयार तो इस तरह करके आप लोग डिफ़रेंट लॉगोज़ बना सकते हैं डिफरेंट आप लोग इन टू दीज इंस्ट्रक्शन आप लोग डिफरेंट लॉगो बनाएँ ये मैंने एक टेम्पलेट को यूज़ करते हुए बनाया था आप लोग तीन चार टेम्पलेट्स बनाएँ ताकि जो आपका क्लाइंट हो तो उसमें से अगर उसे एक पसंद है तो एटलीस्ट वो दूसरा पसंद कर ले और आपके हाथ से उन आ जाए हो सो आज की वीडियो पसंद आएगी काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इंटिल नेक्स्ट वीडियो हाफिज़